पहले पहुंचो। 9 बजे का ऐलान हो रहा, लोग बोल रहे जल्दी रख दिए, 5:30 बजे सूरज निकल जा रहा, 9:30 घंटे फिर भी जल्दी रख दिए बोल के बोल रहे लोग। जल्दी कैसा है भाई, आप लेट से उठ रहे इस वजह से आपको जल्दी दिख रहा हो, आप थोड़ा जल्दी उठते। आप अगर फजर की नमाज पढ़ लेते 5 बजे आजकल, तो आप अगर 7 बजे भी ईद की नमाज रख दिया जाता तो वो भी आपको लेट दिखता। अब तो 9 बजे है ना, फजर की नमाज 5 बजे हो जा रही, 9 बजे ईद की नमाज है, लोग पूरे जल्दी रख दिए। वो जल्दी इस वजह से दिख रहा आपको कि आप फजर की नमाज पढ़ रहे हो, तो फजर की नमाज पढ़ो। रमजान में तो सही में उठे थे ना, तहज्जुद नहीं छुटी थी ना, तरावी नहीं छुटी थी ना, तो ईद के दिन क्यों फजर की नमाज छोड़ते हो, उठो। और याद रखो कि ईद की नमाज वाजिब है और फर्ज नमाज फजर की नमाज फर्ज है। फर्ज को छोड़कर वाजिब को अदा करने जाना ये हिमाकत है हमारी। घर से निकलकर मोहल्ले की मस्जिद में आके ईद के दिन की फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे, और घर से निकल के वेंकटराव पे 3 किलोमीटर जाके वाजिब नमाज पढ़ रहे, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी। जल्दी बेदार हो जाओ, अलार्म लगा के सो जाओ, रात में थोड़ा सा जल्दी सो जाओ, इबादतें कर लो। आज की रात बड़ी गनीमत है, जल्दी से बेदार हो जाओ, फौरी हरकत में आओ, जो भी खरीदी करना है बाजार करना है कर लो जल्दी से, और ईदगाह जल्द से जल्द पहुंचो। 8:15 बजे पहुंच जाओ, 9 बजे ईद की नमाज का मौका है। एक साथी कहने लगे कि कैसा भी 10 मिनट आगे बढ़ते। मैं बोला कि भाई आप तो आसानी से बोल ले रहे 10 मिनट आगे बढ़ते, वो मौका ऐसा रहता है कि हम तेज तलवार के ऊपर बैठे हुए रहते, कटते इधर गिरते नहीं मालूम, इधर गिरते नहीं मालूम। जो लोग अभी आए नहीं, आधा ईदगाह खाली, उनके इंतजार कर रही, जो लोग आए नहीं उनके इंतजार में 5 मिनट बढ़ा रही, सामने बैठे हुए लोग शायरियां कर रहे, उसका नमाज का टाइम हो गया, हमको नहीं मालूम नमाज का टाइम हो, आपसे ज्यादा मालूम यार। तुम तो बयान खत्म करने के बाद घड़ी देख रहे होंगे, हम तो हर नमाज घड़ी देखकर बयान कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मालूम है हमको। और मालूम है हमको ये भी कि आप कितने वक्त के पाबंद हैं, और ये भी हमको मालूम है कि वो साहब नमाज का टाइम हो गया बोलकर आपके दिल में चोर बैठा हुआ है, आप वहां पर बुराई फैलाना चाहते हैं। हमको मालूम है कि आप 4-4 घंटे फंक्शनों के अंदर बर्बाद करते हैं तो आपका टाइम नहीं होता, और ईदगाह पर 2-4 मिनट उन भाइयों के लिए जो अभी आए नहीं, अगर इंतजार किया जाता है तो खड़े होकर बोलते हैं कि टाइम हो गया। और सबसे बड़ी कशमकश इमाम साहब के ऊपर, कौन क्या बोलता नहीं मालूम, कहां से कौन सी आवाज उठती नहीं मालूम। बोलना तो हमको भी बहुत आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एहतराम करते हैं। सारे लोग अगर अकलमंदी का सबूत दे दे तो एक मौका है, आगे पीछे होती है, इंसान है ना, इंसान है आगे पीछे होता है। 5-7 मिनट इंतजार कर लेने से कोई बड़ा वो तो नहीं होता। अभी गुज़िश्ता साल रमजान में ऐसे ही हमारे पास ईदगाह पे 5-7 मिनट वक्त आगे बढ़ाना पड़ा, और अटले के एक साहब बोलने लगे हमारे पास जो टाइम बोल दिया वो टाइम पे फिक्स जमात खड़ी हो जाती, मौला जन्नत वाजिब हो गई, कामयाब हो गया। आप फिक्स टाइम पर अगर खड़े हो रहे, सारे लोग फिक्स टाइम पर जमा हो रहे, चलो अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। और हमारे पास अगर नहीं जमा हो रहे 5-7 मिनट अगर हम इंतजार कर ले रहे, कोई गुनाह नहीं कर रहे। और मस्जिदों के अंदर भी नमाजों के लिए जो जमात का जो वक्त होता है ना, जुमा की नमाज ये टाइम पे खड़ी होगी, जोहर का ये टाइम है, असर का ये टाइम है, ये जो वक्त है ये भी फिक्स नहीं है, ये लोगों को एक वक्त को मेंटेन करके पहुंचने के लिए हो। बाद लोग बड़ा एहतराम करते हैं, वो घड़ी हमारी नंबर वन घड़ी है, 1:20 पर जमात है तो 1:19 जैसा ही हो गए तो वो हमारी घड़ी उल्टा चलती, पहले 60 सेकंड आते उसके बाद 59, 58, 57 ऐसा चलते रहते, लोग उठकर खड़े हो जाते 20 सेकंड पहले, उधर सीटी बजते ही यहाँ पर मौजान साहब हामा शुरू कर देना, ये जरूरी नहीं है बाबा जान, ये तो एक एहतमाम है, कभी आप आगे पीछे भी कर लो, कुछ लोग है वजू बना रहे आने दो। तकबीर उला का बड़ा सवाब है, हदीसों के अंदर है कि अगर इंसान को तकबीर उला का पहली सफ का अगर सवाब मालूम हो जाए तो इंसान पहली सफ की जस्तजू में तलवार निकालकर सामने वालों से लड़ने में झगड़ने पर खड़ा हो जाए। अगर इंसान को तकदीर उला पर अल्लाह क्या देने वाले हैं अगर इंसान को मालूम हो जाए तो आपके घर के और मस्जिद के दरमियान में अगर कोई अंगार के खड़े भी दिशा कर रख दे तो आप उसके ऊपर से दौड़ कर आ जाए, इतना सवाब है उसमें। कभी एहतमाम होना चाहिए साथियों का, लेकिन कैसा होगा, हम दुनिया के एतबार से हमारे भाइयों की रियायत नहीं करते तो दीनी मामला में कहां से रियायत करेंगे। तो बहरहाल ईद की सुन्नत है, ईदगाह जल्द से जल्द जाना,
जाते जाते तकबीर पढ़ते हुए जाना, बड़े एहतमाम के साथ, खुशु खुशु के साथ, अपने आप को इस ख्याल के साथ ईदगाह पर ले जाना कि मैं अल्लाह का पापी बंदा हूँ, गुनहगार बंदा हूँ। अगर हमने रमजान को सही गुजारा है तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हुए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिजी के कलिमात अदा करते हुए कि अल्लाह आपने तौफीक दी मैंने रमजान सही गुजारा, आपसे कुछ लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, किस इरादे से जाना। और अगर किसी का रमजान सही नहीं गुजरा तो अभी भी मौका है, तौबा कर ले वो, या कम से कम ईदगाह पर इंसान नदामत के साथ वहां पर जाए, अल्लाह आपने तो रमजान दिया था मुझे बख्शवाने के लिए, मुझे मेरी बख्शिश के लिए, लेकिन अल्लाह मैंने नादानी के नतीजे में रमजान का गलत इस्तेमाल किया, आप माफ फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया की एक माँ अपने बच्चों की बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर देती है, अल्लाह तबारक व तआला तो शहंशाहों की शहंशाह है, कायनात की तमाम माओं से ज्यादा मोहब्बत करने माफ कर देंगे, बशर्ते कि इंसान सच्चे दिल से तौबा चाहे।